लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें SS प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सोलर वाटर हीटर वर्सेस गैस गीजर, कि भी सोलर वाटर हीटर में आपको फ़ायदा है या फिर अगर आप गैस गीजर लगवाएं उसमें आपको फ़ायदा है। तो ये सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि किन किन कंपोनेंट पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपको सोलर वाटर हीटर आपके लिए सही रहेगा या फिर गैस गीजर आपके लिए सही रहेगा। तो ये सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं संग्राम सिंह, SS प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हम बात कर रहे हैं सोलर वाटर हीटर और गैस गीजर। देखिए, गैस गीजर के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, मैंने एक गैस गीजर की अनबॉक्सिंग भी दिखाई है और गैस गीजर का जो एक साइड इफेक्ट है मैंने उसके बारे में भी एक वीडियो बना रखी है। तो वो साइड इफेक्ट जो है वो मैं इस वीडियो में थोड़ा बता दूंगा, बाकी आपको कंप्लीट देखना है वो उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तो बात आती है सोलर वाटर हीटर की और गैस गीजर की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट की, कि किसकी कॉस्ट ज़्यादा है। भाई, जब भी आप सोलर वाटर हीटर लगवाते हैं या फिर आप अगर गैस गीजर लगवाते हैं तो गैस गीज़र का जो प्राइस आपने मार्केट से ट्राई किया ही होगा, लगभग ऑन एन एवरेज 5,000 रुपये या 6,000 रुपये तक का आपका गैस गीज़र लग जाता है। अब उसी में बात आती है सोलर वाटर हीटर की। भाई, अगर आप सोलर वाटर हीटर लगवाना चाहें तो अगर आप 150 लीटर का भी लगभग सोलर वाटर हीटर लगवाते हैं तो उसकी कॉस्ट जो इस टाइम चली हुई है लगभग 20,000 के आसपास चली हुई है। यानी कि कोई 22,000 में लगा रहा है, कोई 18 में लगा रहा है, कोई 25 में भी लगा रहा है। तो इस प्रकार से उसका जो है प्राइस है। तो ये तो बात हो गई हमारे प्राइस की, कि जब आप सोलर वाटर हीटर लगवाते हैं तो उसकी कॉस्ट है वो ज़्यादा है, इसमें कोई दोराय नहीं है। अगर हम कंपेयर करें गैस गीजर से, तो ये तो हमारा हो गया कॉस्ट का, कि कॉस्ट तो सोलर वाटर हीटर की ज़्यादा है ही है अगर आप उसको लगवाते हैं, और गैस गीजर की जो है कॉस्ट कम है। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा टाइमिंग का, कि टाइमिंग क्या है, किस प्रकार से हम गर्म पानी ले सकते हैं सोलर वाटर हीटर से या फिर जो है गैस गीज़र से। अब गैस गीज़र अगर आपने इस्तेमाल किया हो तो गैस गीज़र एक ऐसा कंपोनेंट है कि जिससे आप किसी भी टाइम गर्म पानी ले सकते हैं। यानी कि अगर आप सुबह लेना चाहें सुबह ले सकते हैं क्योंकि वो LPG से चलता है, अगर आप दोपहर को लेना चाहें दोपहर को भी ले सकते हैं, शाम को लेना चाहें शाम को भी ले सकते हैं। तो ये उसकी टाइमिंग है, वो आपके हाथ में है कि आप कितना पानी और कब लेना चाहते हैं। तो गैस गीजर में तो वो आप पे डिपेंड करता है, वहाँ से आप उसमें से पानी आराम से ले सकते हैं। अब बात आती है सोलर वाटर हीटर की, कि अगर आप सोलर वाटर हीटर में क्या होता है कि सोलर वाटर हीटर की लगभग जो कैपेसिटी होती है वो 24 आवर्स की होती है ज़्यादातर, अधिकतर सोलर वाटर हीटर की। भाई, जैसे अब धूप है इस टाइम और सोलर वाटर हीटर ने अपना काम कर दिया होगा, उसने पानी जो है वो गर्म कर दिया होगा, अब वो पानी 24 घंटे तक गर्म रहने वाला है। यानी कि अगर कल हमारी धूप नहीं निकली तो वो इस टाइम बंद हो जाएगा, इस टाइम वो पानी जो है वापस से नॉर्मल टेम्परेचर पे आना शुरू हो जाएगा। तो ज़्यादातर 24 घंटे की है, किसी की 18 घंटे की है, लेकिन 24 घंटे की अधिकतर हमें पाई जाती है मार्केट में। तो 24 घंटे तक उसकी पानी की वैलिडिटी रहेगी, यानी कि अगर वो आज गर्म हुआ तो 24 घंटे तक वो गर्म रहने वाला है, उसके बीच आप कभी भी पानी ले सकते हो, वो आपको गर्म ही मिलेगा। तो ये हो गया टाइमिंग का, यानी कि अगर आप धूप नहीं निकली तो इसमें आप किसी भी, ऐसा नहीं है कि अगर आज धूप नहीं है तो पानी ठंडा हो जाएगा, सीधी सी बात, आप गैस गीजर की तरह इसमें से पानी नहीं ले सकते। तो ये बात हो गई टाइमिंग की। अब तीसरा पॉइंट आता है कि कितना पानी आप गर्म कर सकते हैं सोलर वाटर हीटर से और गैस गीजर से, या कितना पानी आप गर्म प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें बात आती है कि जैसे सोलर वाटर हीटर है, सोलर वाटर हीटर की कैपेसिटी मान लीजिए 150 लीटर है, तो इसमें सीधा सा फंडा है भाई, 150 लीटर से ज़्यादा तो वो आपको पानी नहीं देगा, उसको तो 150 लीटर ही देना है मैक्सिमम। भाई, 150 लीटर का आपने सोलर वाटर हीटर लगवाया या 200 का लगवाया है तो जितने लीटर की उसकी कैपेसिटी है वो उतने लीटर तक ही पानी आपको दे सकता है, और वो मैंने टाइमिंग बता दी वो किस टाइम से किस टाइम तक देगा। अब इसमें अगर हम दूसरे पार्ट में बात करें गैस गीजर की, अब गैस गीजर का हमारा ऐसा है कि गैस गीजर आप जिस टाइम चाहें जितना चाहें पानी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है उस गैस की। ज़्यादातर जो गैस गीजर होते हैं लगभग 5-6 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से गर्म पानी देते हैं, यानी कि एक मिनट में 5 लीटर, मान लीजिए आप 5 लीटर पानी आप निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आप आधा घंटा उसको गैस से लगातार गैस देते रहें तो उसमें से आप
150 लीटर पानी आराम से आधे घंटे में ही निकाल सकते हैं। और ये प्रोसेस आप चाहे दिन में 10 बार करें या 20 बार करें, कितनी बार करें ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, यानी कि गैस गीजर में आप अनलिमिटेड पानी ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अब बात आती है चौथे पॉइंट की, मेंटेनेंस। भाई मेंटेनेंस किसकी कितनी है, यानी कि मेंटेनेंस में हम एक किस्म से लगा लेते हैं कि उसकी जो यानी कि जो हम जैसे कोई वाहन है उसकी बोलते हैं कि ये एवरेज कितना देता है, तो उसकी मेंटेनेंस हम डिस्कस करते हैं। सोलर वाटर हीटर जैसे ही आपने इंस्टॉल करवाया उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं है कि अगर वो टूट गया तो मेंटेनेंस कराना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि उसको आपको बार बार कुछ देना पड़ रहा है, वो ऑटोमेटिक से अपने आप पानी गर्म करता रहेगा, आपको देता रहेगा, पानी गर्म करता रहेगा, आपको देता रहेगा। दूसरी तरफ आता है गैस गीजर। गैस गीजर ऐसा कंपोनेंट है जिसमें लगातार आपको गैस देनी पड़ती है, आपको जब भी पानी चाहिए उसमें आपको गैस देनी पड़ेगी। एलपीजी से वो चलता है, आपने उसमें एलपीजी की सप्लाई दी वो आपको गर्म पानी दे देगा, फिर एलपीजी की सप्लाई दी फिर गर्म पानी वो दे देगा, फिर एलपीजी की सप्लाई दी फिर गर्म पानी वो दे देगा। तो ये अगर हम मेंटेनेंस की बात करें, भाई सोलर वाटर हीटर की तो जीरो मेंटेनेंस है, उसकी तो कोई मेंटेनेंस है ही नहीं। और अगर हम गैस गीजर की बात करें तो उसमें मेंटेनेंस है, उसमें हमने लगातार जो है ईंधन देना पड़ रहा है, उसको ईंधन दे रहे हैं तभी वो हमें वापसी में गर्म पानी जो है दे रहा है। अब दूसरा जो एक पॉइंट और आता है मेंटेनेंस में कि इसमें जो ख़राब क्या क्या हो सकता है। अगर हम सोलर वाटर हीटर में देखें तो सोलर वाटर हीटर की जो पाइप होती है उन पाइप में जो है ख़राबी आ जाती है, यानी कि वो पाइप वो ट्यूब होती है जो, वो ट्यूब आपकी ख़राब हो सकती है। गैस गीज़र होता है, गैस गीज़र में एक चैम्बर होता है अंदर, ज़्यादातर कॉपर का ही इस्तेमाल होता है, वो सभी कंपनियां कॉपर का ही इस्तेमाल करती हैं, तो वो चैम्बर आपका ख़राब हो सकता है। यानी कि सोलर वाटर हीटर ख़राब तो दोनों में हो सकते हैं, लेकिन ख़राब होने के बाद जो आपकी ट्यूब है वो कॉस्टली है सोलर वाटर हीटर की, और जो आपका गैस गीजर का जो चैम्बर है या गैस गीजर ही एक बड़ा सस्ता प्रोडक्ट है, तो वहाँ पर अगर आप इसकी बात करें तो वहाँ फिर आपको गैस गीजर में फ़ायदा है। तो ये हमारे लगभग सारे पॉइंट हो गए कि किन किन पॉइंट पर ये डिपेंड करता है। आप इन पॉइंट से निकाल सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है। मैं इसमें आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप सोलर वाटर हीटर लेना चाहते हैं, कि देखिए अगर आपकी बड़ी फैमिली है, अगर आपकी पाँच फैमिली मेम्बर हैं, 5-6 तक हैं, तो आप गैस गीजर लें, गैस गीजर में आपको फ़ायदा है। आपका गैस गीजर हद है कि आपके 2 सिलेंडर आपके सीज़न में लग जाएँ। अब 2 सिलेंडर 1400-1500 रुपये के हैं, अब 5000 रुपये का लगभग गैस गीज़र आता है, यानी 6500-7000 रुपये में आपकी सर्दियाँ आराम से निकल जाएंगी। दूसरी बात, जो आपका गैस गीज़र है वो वारंटी में आता है 2 साल की, कोई 2 में दे रहा है कोई 1 में दे रहा है, ज़्यादातर 2 साल की वारंटी कंपनियों ने निकाली है। तो 2 साल तक तो अगर उसमें कुछ ख़राब होता है तो वो भी कंपनी की टेंशन है, उसमें आपका भी कोई वो नहीं है। भाई 2 साल के अंदर उसमें कमी आ गई तो वो कंपनी आपको ठीक करके देगी। ऐसा सोलर वाटर हीटर में नहीं है, उसकी कोई वारंटी नहीं होती, होती है तो 6 महीने की देते हैं या फिर 1 साल तक की देते हैं ट्यूब वगैरह की, बस इतना ही है। तो ये बात हो गई हमारी भाई अगर उसकी वारंटी वगैरह की हम बात करें। अब इससे क्या निकलता है कि मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर आपकी बड़ी फैमिली है या फैक्ट्री है यानी कि इंडस्ट्रियल है और आपकी जो फैमिली है बड़ी, तब आपको फ़ायदा है सोलर वाटर हीटर में। क्योंकि सोलर वाटर हीटर में जितना आप लगवा सकते हो, भैया आपने 50,000 से 1,00,000 रुपये का इन्वेस्ट कर दिया सोलर वाटर हीटर पर, क्योंकि आपका इंडस्ट्रियल कार्य है या फैक्ट्री है, तो वहाँ आपको ज़्यादा पानी मिलेगा कि आपने 1000 लीटर का सोलर वाटर हीटर लगवा दिया। अब 1000 लीटर का लगभग 1,00,000 रुपये तक मान लीजिए इन्वेस्ट हो गया, अब 1,00,000 रुपये में आपकी कोई मेंटेनेंस नहीं है उसमें, उसमें कोई आपको ईंधन नहीं देना, वो आपको गर्म पानी प्रोवाइड करवाता रहेगा। वहीं अगर आप डोमेस्टिक में बात करें तो डोमेस्टिक में आपको महंगा पड़ेगा सोलर वाटर हीटर, वहाँ आपको गैस गीजर में फ़ायदा है। इंडस्ट्रियल अगर आप लेना चाहें तो आप सोलर वाटर हीटर पर जाएं, और अगर आप डोमेस्टिक लेना चाहें तो डोमेस्टिक में आप जो है गैस गीजर पर जा सकते हैं, ये आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी उसके बारे में आपको जानकारी देने की। और हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।